Can you see that sleep in my eyes? I'm so sleepy. It's 1:15 or 1:20 in the night and I want to sleep. Ollie! Okay. So, but I can't because कल जो मुझे vlog डालना है वो अभी तक edit नहीं हुआ. मैं कभी edit delay नहीं करती हूँ, but आज वो delay होती गई तो कुछ ज़्यादा ही delay हो गई due to some work. So अभी वो edit के लिए बचा हुआ है and आज मैंने सोचा था कि मैं उसको बहुत अच्छे से edit करूँगी, but अब तो वो possible नहीं है. Ollie! And मैं अभी मैं सो गई थी एडिट करते करते, तो फिर मैं उठी एंड मैं गई, मैंने फेस पे पानी वानी मारा सारा कुछ, देन थोड़ा सा मैं जागी हूँ. तो अब मैं थोड़ा बहुत एडिट बचा है वो फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसको सेव होने रखूँगी और मैं सो जाऊँगी. मुझे भयंकर नींद आ रही है. सो अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह. बाय बाय, गुड नाइट. Hope you all are doing well. Good morning. नया दिन नया vlog. बजने वाले सुबह के 9 और you can see my eyes puffiness. Like I don't know why. तो इसलिए आज मैंने चश्मा पहना हुआ है इंट्रो के टाइम पे, क्योंकि मैं कल रात में व्लॉग मैंने एडिट किया और मैं सीरियसली व्लॉग एडिट करते हुए ना ऐसे झपकियाँ ले रही थी, मेरे को इतनी जोर की नींद आ रही थी. फिर मैंने व्लॉग एडिट करके उसको एक्सपोर्ट पे लगाया, मैंने अपलोड भी नहीं किया और मैं जो सोई हूँ आज सुबह मुझे टाइम नहीं पता चला. आज मैं आधा घंटा लेट उठी हूँ. मैं 8 बजे उठती थी, आज मैं 8:30 बजे उठी हूँ. तो उसके बाद मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है अभी भी, बट मुझे जागते रहना है. सो अभी मैं योगा कर लेती हूँ, पहले स्ट्रेचिंग करूँगी तो हो सकता है थोड़ी नींद छूम अंतर हो जाए, लेट्स सी. तो मैं योगा करने के बाद आपको मिलती हूँ. अपनी बॉडी को नाश्ता करा रही हूँ विटामिन डी का, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो अभी विटामिन डी ले लेती हूँ. और आज जो वो पम्पकिन था जो बड़ा हो गया था उसको तोड़ लिया है, आज उसी की सब्ज़ी बन रही है फाइनली. तो दिन में आपको उसका टेस्ट बताऊँगी कि कैसी बनी है. फिलहाल नीचे चल के देखेंगे कि क्या बना है नाश्ते में. वैसे मुझे लगता है मुझे खुद बनाना है, तो लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ. डन विद द हाउस वर्क, और अभी 11 बजने वाले हैं तो कल का व्लॉग लाइव कर देते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी है. सो फाइनली अभी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट और डिनर कॉम्बो है, ये ब्रंच है, क्योंकि आई डोंट थिंक इसके बाद मैं अब अपना लंच ले पाऊंगी. तो आई एम हैविंग कद्दू की सब्जी, पराठा एंड माई फेवरेट मैंगोज. तो अभी मैं आपके सामने इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है. I love pumpkin. और इसके साथ चावल होते हैं ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन. लेकिन जितनी भी घर की सब्जियाँ होती हैं ना उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है. ऑर्गेनिक सब्जियों का जो टेस्ट होता है वो बाकी सब्जियों से बहुत डिफरेंट होता है. तो नाउ आई एम गोना एंजॉय माय ब्रंच एंड आई एम वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा. सो अब मैं मिलता हूँ आपको नाश्ता करने के बाद, ब्रंच करने के बाद.
इस गुठली को देख के आप मेरे आम के प्रति प्यार को समझ सकते हैं, लाइक पूरी गुठली वाइट हो चुकी है। आई एम वॉचिंग जब पिंकू टप्पू सेना को छोड़ के कनाडा जाने वाला होता है, एंड सीरियसली आज पहली बार मुझे तारक मेहता देखते हुए रोना आया। लाइक आई एम सॉरी कि आपको कचरा दिखा रही हूँ, बट ये कचरा जो है हमारे घर का किचन का गीला कचरा है जो हम पापा यहाँ स्टोर करवाते हैं और इसके थ्रू खाद या समथिंग बना के फिर वो अपने पेड़ों को देते हैं। यहाँ पे है प्याज के छिलके, इन्हें हमेशा पापा इसमें डलवा देते हैं ताकि ये बाद में पेड़ों में यूज हों। ये काफ़ी अच्छे होते हैं पेड़ों के लिए। और ये है चाय पत्ती, जो भी हम चाय बनाते हैं उसकी चाय पत्ती निकलती है। और ये हैं कुछ केले के छिलके। तो जितनी भी किचन से निकली हुई चीज़ें होती हैं वो पापा उसको वापस से रीयूज करके अपने ही पौधों में यूज़ करते हैं और ये उनको बेनिफिट देते हैं। सो अभी मैं इसको यहाँ डालना ही थी, एंड आई फॉरगॉट माय डस्टबिन। मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में किसी ने डाला है कि Instagram, Twitter ये सब बैन होने वाले हैं, तो अब हम आगे क्या करेंगे। तो गाइस अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि ये बैन हो रहे हैं। 27 तक का टाइम था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने थे, और अगर उसके बाद भी कुछ लोगों ने एक्सटेंशन मांगे हैं, तो जब तक ये ऑफिशियली नहीं आ जाता है प्लीज इस चीज को लेकर टेंशन मत लो। ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन है लेने के लिए, कोरोना चल रहा है, ब्लैक फंगस, इतनी सारी बीमारियां ऑलरेडी आ रही है, तो दिल को एक और चीज क्यों अपने दिल में डाल रहे हो कि हाँ इस चीज की भी हमें टेंशन लेनी है। और ये भी बोला कि YouTube भी बैन होने वाला है, उसको सुन के थोड़ा सा धक्का तो लगा, लेकिन गाइज इट्स ओके, इट्स फाइन। हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Instagram, YouTube ये सब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोगों की लाइफ चल रही थी, नहीं रहेगा तो भी लोगों की लाइफ चलेगी, और रहेगा तो भी लोगों की लाइफ चलेगी, तो इतना मैटर नहीं करता है। ये सब टेंशन लेने के टॉपिक्स नहीं है, तो इनके बारे में इतना ना सोचा जाए तो मुझे लगता है बेहतर। मैं भी चाहती हूँ कि ये सब ना बैन हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स ओके। जब TikTok बैन हुआ था तो यही चल रहा था कि TikTok स्टार्स का अब क्या होगा, वो क्या करेंगे, बट उनकी लाइफ अभी चल रही है, तो इस चीजों का टेंशन ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आप लोगों से यही बोलूंगी, जो चीज होनी होगी वो हो जाएगी, और जो चीज नहीं होनी होगी तो देन आप एंजॉय करना उसको। तो अभी ना आप टेंशन लो, ना आप टेंशन दो, चिल मारो जब तक है, जब तक एंजॉय करो। जब भी गाइस इंडिया में कोई भी चीज ना परमानेंटली स्टॉप नहीं हो सकती है, एक चीज जाएगी तो दूसरे अल्टरनेटिव तुरंत निकल आएंगे। जब TikTok बैन हुआ था तो आज आप Instagram पे रील्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको तो बोरियत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। बट द स्ट्रेंज थिंग इज ना, इंडिया में स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को लेकर जितना स्ट्रेस नहीं होते हैं, उतना ये दो दिन में ना सोशल मीडिया को लेके हो गए हैं। काफी सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट जो है सो है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने ब्रंच किया था और अब हो गई शाम और मुझे लग रही है भूख, तो मैं बनाने वाली हूँ पैनकेक्स। काफ़ी इजी होते हैं, कम टाइम लेते हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पैनकेक्स कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी आटा, इसमें थोड़ा सा घी, शुगर की जगह पे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हनी, आप चाहो तो शुगर यूज़ कर सकते हो। इसमें ऐड करेंगे मिल्क धीरे धीरे और इसको पेस्ट बना लेंगे। सोडा, इट्स रेडी, लेट्स मेक इट।
सो हियर्स माई पैनकेक्स आर रेडी. मैंने इसमें बनाना ऐड किया है, सो लेट्स टेस्ट इट. एंड आज के जो पैनकेक्स बने ना, ओ माई गॉड यू गाइस, एकदम एक्यूरेट कलर आया है, जैसा आप देखते हो जब कुकरी शोज में बनता है या जो इमेजेस में आता है, एक्यूरेट कलर आया है. आई एम सो सेटिस्फाई विद माई पैनकेक्स. सो हियर सो यम, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो. और अगर आप जैसे मैंने बनाया वैसे आप ट्राई करते हो तो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. आई सो प्राउड माई सेल्फ नाउ, आई एम गोना फिनिश दैट, एंजॉय दैट. और इसी के साथ इस व्लॉग को इतने रखते हैं. आई होप यू एंजॉयड. इफ यू डू देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो. कॉमेंट करके जरूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसे लगा. मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय.